कसम से बवाल है सोशल मीडिया यूजर, कब क्या लिखकर फैला दें कोई नहीं जानता। यकीन ना आए तो एक बार इस पेपर कटिंग को ही देख लीजिए, कसम से देखकर माथा ना पीट लिए तो कहिएगा। कलाकार लोगों की कमी नहीं है स्केल मीडिया पर। दरअसल यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद आगामी 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक न्यूज़पेपर कटिंग जमकर वायरल हो रही है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग के मुताबिक अमित शाह यूपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री। एक बार के लिए आप भी चौंक गए ना। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फोटोशॉप के जमाने में बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही हुआ है। दरअसल कुछ शरारती लोगों ने इस तरह का एक पेपर कटिंग बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और ये फर्जी खबर बताकर शेयर की जा रही है। बिना वेरीफाई किए लोग लगातार इस खबर को शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और ये फेक है। इसलिए बिना पूरी जानकारी के इस तरह की खबर को ना ही शेयर करें। यूपी तक फैक्ट चेक टीम ने इस मामले को लेकर जब बीजेपी के सोर्स से तफ्तीश की तो उन्होंने इस दावे को सिरे से नकार दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण 25 मार्च को होना है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 37 साल पुराना मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में होगा। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई और मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलने का दावा किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद आयोजित होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।